सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। आज हम जो है वो लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइंस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर और होगा हमारा और टोटल 4 लेक्चर्स पर हमारी ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जाकर हमारे चैप्टर ओवरऑल कम्प्लीट है। दिस इज़ आज हम अमाइंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, और ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 6 का, सेकेंडरी केमिस्ट्री न्यू बुक का। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कल से फिर हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस अल्काइल हैलाइड्स के बारे में मैंने डिस्कशन इससे पहले क्लास में कर दी है, यकीनन ठीक है, और उसमें जो है वो हमने अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। हमने उसके अंदर देखा किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, हमने देखा अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स, और उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन भी होती है अल्काइल हैलाइड्स के मदद से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुख्तलिफ रिएक्शंस हमने लास्ट सैटरडे की क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो अब हम आते हैं इसमें, यहाँ पर दिस इज के अमाइंस को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, मेन टॉपिक मेन जो चैप्टर ये है वो अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर ही है, और जो पुरानी बुक थी ओल्ड बुक थी हमारी केमिस्ट्री की कराची बोर्ड की, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड्स का ही टॉपिक सिर्फ होता था। अमाइंस का टॉपिक मैंने आपको बताया कि उन्होंने न्यू बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, और तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे अमाइंस। तो अमाइंस किसे कहते हैं, इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे पास, इसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था अमाइंस के बारे में, और अक्सर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अमाइंस किसे कहा जाता है कि अगर कभी अल्काइल रेडिकल के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड अमाइन, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH3। अमोनिया के अल्काइल डेरिवेटिव्स हमारे पास अमाइंस कहलाते हैं। अमोनिया क्या होता है हमारे पास, दिस इज NH3। तो NH3 हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में आप जानते हैं 3 हाइड्रोजन होता है। अगर इन हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इन हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल रेडिकल या कैपिटल R अटैच कर दिया जाए, तो ये हमारे पास बन जाते हैं अमाइंस, ठीक है। अमोनिया के अल्काइल डेरिवेटिव्स कह सकते हैं हम इनको। अमोनिया NH3 होता है, और अमाइन में क्या होता है, H की जगह पर R होता है। अब वो R एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 मोड होते हैं। अगर इस अमोनिया के एक तरफ रेडिकल सिर्फ अटैच है, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर R लगा दें, तो ऐसा अमाइन हमारे पास प्राइमरी अमाइन कहलाता है, 1 डिग्री भी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन हटाकर 2 रेडिकल लगा दिया जाए, तो ये सेकेंडरी अमाइन हमारे पास बनता है, इसी को सेकेंडरी अमाइन या फिर हम इसको 2 डिग्री अमाइंस कहते हैं, ठीक है। और अगर तीनों हाइड्रोजन को हटाकर रेडिकल्स लगा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अमाइन, ये इसी को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक में एक रेडिकल होता है, एक में 2 रेडिकल होते हैं, एक में तीनों तरफ रेडिकल होते हैं, तो टर्शियरी हो जाते हैं वो हमारे पास, ठीक है। तो ये अमाइंस होते हैं हमारे पास, अमाइन, ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, और ये भी अमाइन है, लेकिन ये जो बीच में बना है दिस इज अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 तो आप जानते हैं ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया, ये गैस होती है अमोनिया गैस, NH3 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो हमने अमाइंस के डेफिनेशन की बात कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आई थिंक 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं बेसिक, और ये आसान से पॉइंट है जो हमें लॉजिकली पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपके स्मेल वगैरह, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मिथाइल अमाइन जो हमारे पास होता है दिस इज़ गैस, और मिथाइल अमाइन के बाद जो इथाइल अमाइन होता है दिस इज़ लिक्विड, ठीक है। तो मिथाइल अमाइन हमारे पास गैस है, जबकि इथाइल अमाइन हमारे पास जो है दिस इज़ इन लिक्विड स्टेट। मिथाइल अमाइन गैस है, इथाइल अमाइन लिक्विड है। रीज़न आप जानते हैं, चूँकि जब हम होमोलोगस सीरीज़ में डाउन द सीरीज़ जाते हैं, तो क्या होता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से स्टेट के अंदर वेरिएशन आती है। स्टेट गैस से लिक्विड होता है, लिक्विड से सॉलिड होता है, ऐसे ही होता है। तो इसलिए मिथाइल अमाइन हमारा गैस है और इथाइल अमाइन लिक्विड स्टेट में होता है। स्टेट की अगर बात करें लैब के अंदर, कलरलेस होते हैं सारे, इनका कोई कलर नहीं होता, विथ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट एक नाखुशगवार किस्म की बू होती है, जिसको हम बदबू कह सकते हैं, एक नाखुशगवार किस्म की बू इसकी मौजूद होती है अमाइंस की। अमाइंस अक्सर जो है ना वो प्रोटीन्स की ना डिकम्पोजिशन से बन रहे होते हैं हमारे पास हवा में, मतलब प्रोटीन्स जब डिकम्पोज हो रहे होते हैं तो फिर अमाइंस की जनरेशन हो रही होती है उसके अंदर ना, ऐसे नेचुरली भी हो रहा होता है। इसलिए अगर कोई फिश है, मछलियाँ हैं,
तो मछली जो है, फिश जो होती है, फिश प्रोटीन रिच होती है, मछलियों में प्रोटीन होता है। अगर वो बासी हो जाए, अगर वो पुरानी हो जाए, तो क्या होता है, उनमें से एक अनप्लेजेंट सी ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है, फिशी ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। वो किसकी वजह से होती है? कभी आप मछली वगैरह की जहाँ पे बिक्री होती है वहाँ से आप गुजरेंगे तो एक फाउल एक ऑर्डर आपको जो है आपको फील होता है। वो ऑर्डर किसकी वजह से होता है? वो अमाइंस की वजह से ही होता है। जो फिश का प्रोटीन है ना, वो डिकम्पोज हो रहा होता है अमाइंस की सूरत में, तो चारों तरफ एक बदबू एक फैली हुई होती है, ठीक है, मछली के। सो दिस इज़ फिशी ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं, अनप्लेजेंट ऑर्डर भी कह सकते हैं, कि जो है वो ख़राब होती है मछली की बदबू जैसी, उसकी स्मेल होती है, ठीक है। तो अनप्लेजेंट एक ऑर्डर, क्योंकि प्लेजेंट और खुशबू नहीं है बल्कि बदबू है, ठीक है। थर्ड है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा, रीज़न यही है उसका पोलर नेचर होना, पोलैरिटी आना, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन तो आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, रेडिकल्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, चूँकि पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, दैट्स वाई क्या होता है कि ये सारे के सारे सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, चूँकि पोलर होते हैं ये। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज डाउन द होमोलोगस सीरीज, और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, रीज़न क्या होता है, नॉन पोलर नेचर बढ़ने लगता है, जैसे मिथाइल अमाइन के बाद इथाइल अमाइन प्रोपाइल अमाइन होगा ना, तो कार्बन चेन लंबी होनी शुरू हो जाएगी, और कार्बन की चेन नॉन पोलर होती है, तो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़नी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है। क्यों कम हो रही होती है? रीज़न वही है कि डाउन द ग्रुप नॉन पोलर नेचर बढ़ रहा होता है कार्बन चेन के लॉन्ग होने की वजह से। इस पर काफ़ी डिटेल बहस या आर्गूमेंट या डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है, ठीक है, तो अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वो बोरिंग सा एहसास होगा आपको, चूँकि ये चीज़ें हमने कई बार हमने डिस्कस कर लिया उसको, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये MCQs की सूरत में आता है, आपको पता है MCQs में कुछ पूछ लिया तो आप बता देंगे। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, अमाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो अमाइंस के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर अमाइन का हमारे पास होता है पिरामिडल। ये हमने स्ट्रक्चर अमाइन का या अमोनिया का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर अमाइन का आता है, ठीक है। जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने जैसे कि बनाया होगा लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर NH3 का, तो आप याद करो कि आप उसको जब वेस्पर मॉडल से बनाया करते थे या हाइब्रिडाइजेशन से भी जब बनाया करते थे, तो उसमें हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर आया करता था, पिरामिड जैसा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था ना भाई। तो देखो अमोनिया भी ऐसे ही होता था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बस एक तरफ अमोनिया में क्या होता था, तीनों हाइड्रोजन होते थे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक रेडिकल, मतलब एक प्राइमरी अमाइन मैंने यहाँ पर बना दिए। और ये बॉन्ड एंगल कैसा आता है, 107 डिग्री का आता है पिरामिडल स्ट्रक्चर में, लोन पेयर एक नाइट्रोजन के पास होता है उसके अंदर है, ठीक है। तो वेस्पर मॉडल के तहत अगर बात की जाए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के लिहाज से बात की जाए, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और अल्काइल रेडिकल है, बॉन्ड पेयर कितने नाइट्रोजन के अराउंड, तो तीन बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना नाइट्रोजन के अराउंड, तो एक लोन पेयर है, और हमें पता है कि तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर हमारे पास होता है, तो स्ट्रक्चर हम आता है पिरामिडल विद बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ आपने चैप्टर 3 के अंदर, स्ट्रक्चर्स या शेप्स जो बनाते थे मॉलिक्यूल्स के। तो ये अमोनिया का जैसा मॉलिक्यूल होता है सेम एज इट इज़, वैसे ही मॉलिक्यूल आपका अमाइंस का बनता है, चाहे प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, टर्शियरी अमाइन हो, सबका शेप ऐसे पिरामिडल बनता है 107 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। तो इतनी कोई लंबी बहस नहीं कर रही है, इसमें थोड़ा सा डिटेल लिख भी सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का कि अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई मसला यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिसिटी, ठीक है। अमाइंस जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब आपको पता है एक एसिड हमारे पास होता है, एक बेस हमारे पास होता है, एसिड बेस के हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, इसमें से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है लेविस कॉन्सेप्ट, जो आपने पढ़ा होगा लेविस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था, आई थिंक चैप्टर 10 होगा या 9 होगा, उसमें हमने पढ़ा था। तो लेविस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो बेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एसिड होते हैं। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर अमोनिया की, या फिर अगर हम अमाइंस की बात करते हैं, हर अमाइन कोई भी अमाइन उठा लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी आप अमाइन उठा लो, तो उसमें क्या होगा बेटा कि हर अमाइन के अंदर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। कैसे आ रहे हैं लोन पेयर, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये स्ट्रक्चर तो मैं नहीं सिखाऊँ आपको बनाकर। पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, तीन से बॉन्ड बना रहे, दो बच गया, जो बच गया है वो लोन पेयर, पता है सबको, ओके। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोई भी अमाइन आप उठा लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हर अमाइन के अंदर हम देखते हैं कि लोन पेयर आता है नाइट्रोजन के पास। अब जब लोन पेयर आएगा तो वो क्या कर सकता है, ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, दे सकता है।
अमाइंस चूंकि लोन पेयर डोनर्स होते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर बेसिस, तभी उनका बेसिक नेचर होता है, तभी वो बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझे? यही बातें पढ़ा था लेविस कॉन्सेप्ट का भी। तो लेविस कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हम किसे कहते हैं भाई बेस को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिस। ठीक है, तो अमाइंस जो हमारे पास हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अमाइंस का नेचर हमारे पास बेसिक होता है। अब कैसे होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, रिएक्शन बनाकर हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक RNH2 मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, एक प्राइमरी अमाइन मैंने लिया, यहाँ पर कोई भी अमाइन ले सकता था मैं, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। तो ये हमारे पास एक बेस के तौर पर एक्ट करेगा चूंकि लोन पेयर है इसके पास। ये HCl हमने लिया, HCl यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, दिस इज एन एसिड। और आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास होगी, सॉल्ट बनेगा। अब कैसे बन रहा है सॉल्ट, यहाँ पर आप चेक करें, ये HCl है, RNH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, अगर इसको हम ओपन कर दें इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर समाओ, अगर हम इसको ओपन करना चाहें स्ट्रक्चर को, तो RNH2 है ना, तो R में मैं कोई भी मिथाइल रेडिकल ले लेता हूँ, जैसे कि CH3NH2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने CH3NH2 ले लिया। ठीक है, प्लस उसके साथ HCl है, तो HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। सही है, अब जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अब यहाँ पर हमें पता है HCl यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड हमारे पास कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ये हमारे पास पोलरिटी है। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेंगे यहाँ से, तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया HCl के अंदर। तो यहाँ पर H पे प्लस है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन था जो कि Cl ने खींच लिया, अब H प्लस के पास, मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका मतलब एक भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी खींच लिया क्लोरीन ने, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आ गया, तो H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही है ना भाई, नहीं समझ रहे इस चीज़ को तुम लोग शायद। देखो क्लोरीन जो है ना, अब क्लोरीन के लास्ट सेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, अब दोनों ने बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, यह सब 9 क्लास की बातें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है तो उससे क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है 3.5 और हाइड्रोजन की कम है 2.1, तो क्या करेगा, Cl खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास, अपना तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, साथ में हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पूरा पेयर खींचेगा ना, शेयर्ड पेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पावर ऑफ एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर को खींचने की ताकत है ना भाई, तो शेयर्ड पेयर पूरा खींचेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था अब वो भी नहीं है इसके पास, वो क्लोरीन के करीब हो गया है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन। ऐसा ही ना भाई, इसका मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन इसको दोबारा से चाहिए कहीं से, अब वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, नाइट्रोजन के पास या दो इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, उसको वन साइडेड शेयरिंग कर देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है इसमें, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, डेटिव बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया डोनर, या एच प्लस हो गया एक्सेप्टर, एरो से शो करते हैं, एरो का हेड होता है डोनर के, डोनर सॉरी एरो का टेल होता है डोनर के पास, हेड होता है एक्सेप्टर के पास। ऐसा ही है, पढ़ा है बचपन की यादें, कुछ पढ़ा याद आ रहा है, कुछ फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था उसको आपने। ठीक है, ओके, अब हुआ क्या यहाँ पर कि बॉन्ड यहाँ पर बन गया CH3 और NH, CH3 NH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ओवरऑल। ठीक है, अब ये कैटाइन हमारे पास जनरेट हो गया और Cl माइनस था, तो कैटाइन एनायन मिलकर उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाकर सॉल्ट की फॉर्मेशन कर ली, एक आयनिक कंपाउंड एक सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है एसिड को, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये हमारे पास एसिड हो गया, ये डोनर है तो ये बेस हो गया, बस समझ में आ गई। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं ये, दैट्स वाई ये हमारे पास अमोनिया जो अमाइंस होते हैं, जो अमाइंस होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, कोई भी होते हैं, ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं, अल्कली होते हैं।
बात समझ में आ गई, क्यों बेस है ये, क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्यों डोनेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल हमने देख लिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिसिटी ऑफ अमाइन को मसला क्लियर है। नेक्स्ट आता है उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमाइन को अभी रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे कि अमाइन्स को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रिपरेशन बताऊं आपको ना, एक क्वेश्चन एक रीज़न है वो लिखा हुआ है आपके बुक में ना, तो इन द एंड तो वो मैं यहीं पर आपको इसका आंसर दे दे रहा हूँ कि वाई सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये बात जैसे कि लिखी हुई है कि ये रीज़न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा क्यों जो है वो बेसिक होते हैं बनिस्बत प्राइमरी अमाइन के, मतलब बेसिसिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के लिहाज से अगर कहा जाएगा ना, तो उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास जो है ना वो होगा हमारे पास टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन जो हमारे पास है ये है ना टर्शरी अमाइन, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब सबसे इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ये 3 डिग्री है ना, ये टर्शरी है, इसके ज़्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी के ज़्यादा है प्राइमरी से। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती तो उसके लिहाज से बड़ी कन्फ्यूजिंग बात है ये कि लोन पेयर तो तीनों दे पा रहे हैं, लोन पेयर तो तीनों दे रहे हैं ना भाई, लोन पेयर ये भी दे रहा है, लोन पेयर ये भी दे रहा है, लोन पेयर ये भी दे रहा है, तो ऐसा कैसे कि इसकी बेसिसिटी है मोस्ट बेसिक है या हाईली बेसिक है, तो ये हाईली बेसिक हमारे पास हो जाएगा इन तीनों के अंदर, और इन तीनों में ही हमारे पास लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ऐसा क्यों है, जबकि लोन पेयर तो सर तीनों दे रहे हैं, लोन पेयर तो तीनों डोनेट कर सकते हैं, चूंकि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है प्राइमरी अमाइन में भी, सेकेंडरी अमाइन में भी और टर्शरी अमाइन में भी, देन हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि इनमें से कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाए। आंसर तो मैंने लिख दिया, 3 लाइन आप याद भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसा क्यों है, ठीक है। तो मैं तो कभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता याद करने पर, आप कॉन्सेप्ट समझें। देखें होता क्या है कि मैंने आपको बताया था इससे पहले चैप्टर 5 के अंदर, पिछले चैप्टर में मिथाइल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, रेडिकल्स के बारे में, कोई भी रेडिकल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। वो हमने बेंजीन में भी पढ़ा था ना, बेंजीन में जब मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेंजीन को बाय मीन्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सेप्शन में आपको मैंने लिखाया था अगर आपको याद आ रहा है तो, जब मैंने ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन आपको, बेंजीन की ओरिएंटेशन जब मैंने आपको सिखाई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, क्यों, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, किसको भाई, बेंजीन रिंग को, ऐसे ही था कुछ याद आ रहा होगा, क्यों कर तो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब होगा क्या कि जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये बन जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ पर रेडिकल 3 रेडिकल है, तो तीनों रेडिकल क्या करेंगे, उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रेडिकल्स इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे, यहाँ पर 1 रेडिकल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल रहा होगा बाकी तमाम एटम्स सराउंडिंग एटम्स की तरफ से, उतना ज़्यादा इसकी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, कि R पहले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगा किसी को, इसलिए ये मोस्ट बेसिक है और ये लीस्ट बेसिक है इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो। तो वही चीज़ मैंने ऊपर यहाँ पर बताई कि अल्काइल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स वाई 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन्स आर मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमाइन्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर है, वही चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट उठाकर हम ला रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पर, ठीक है। ये एक रीज़न है, बुक के एंड में था तो मैंने बोला चलो, और आंसर इसका बुक में है नहीं ना तो यहीं से याद करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स के लास्ट से बात करें, अमाइन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो 1, 2, 3 देयर आर 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स। अमाइन्स को बनाने के हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स। सो द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम RX, ये पढ़ा हुआ मेथड है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ न्यू मेथड। अल्काइल हैलाइड से हमने अमाइन्स को बनाया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर हमने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन हमने कहा था जब अमोनिया से कराया जाता है तो अमाइन्स बनते हैं। अगर आपको, अगर बहुत सारे लिखाए थे ना मैंने डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, तो मैं NH2 को भी बताया था कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो जाकर अटैक कर सकता है ना कार्बोकैटायन पर, सेम वही वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो CH3Cl है, तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, रिएक्शन कराया उसका अमोनिया से, जब इसका रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा कि अब इसको ब्रेक करते हैं ना NH2 और H में, अगर आपको याद है मैं मैकेनिज्म इसका अगर बना दूं,
तो इस तरह से होता है, NH3 को हम किस तरह से ब्रेक कर देते हैं, अमोनिया को हम यहाँ पर NH2 और H में ब्रेक कर देते हैं, याद है सबको। अब यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ही होता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, CH3NH2 बन गया, उसके साथ HCl बना, अमाइन बना। सो दिस इज विच अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इसी प्राइमरी अमाइन अच्छा फर्दर अगर हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कराते रहे ना, चलाते रहे, तो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन भी बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखो कैसे, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये अब ये जो CH3NH2 था ना, इसने दोबारा एक CH3Cl से रिएक्शन कर लिया। अब दोबारा इसका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं इस प्राइमरी अमाइन का, सेम कंडीशन होगी, सेम चीज़ फॉलो होगी। अब ये देखो, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, ये NH2 है, इसको हम ब्रेक कर देंगे NH और H में, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला, तो ये तो HCl अलग हो गया और CH3NH CH3 CH3 NH CH3। अब आप देख सकते हो क्या ये 2 डिग्री अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन बना। अब इसी का दोबारा CH3Cl से रिएक्शन करा दो, टर्शियरी बन जाएगा। देखो, अब हमने दोबारा ये ले लिया उठा के, और अगेन हम सॉरी CH3Cl से कराना है, अगेन हमने इसका रिएक्शन करा दिया CH3Cl के साथ। अब क्या होगा कि ये हमारे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस वाला माइनस से मिलेगा और ये प्लस वाला माइनस से मिलेगा, तो HCl अलग हो गया और यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप आकर लग गया, तो क्या है 3 डिग्री हो गया हमारे पास ये। तो क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक बार अमोनिया से कराते हैं तो उस पर हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन को दोबारा अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन का दोबारा से अगर हम जो है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो टर्शियरी अमाइन बनेगा। ऐसा ही हुआ है, तो मुश्किल तो नहीं है, मतलब सिंपल मैकेनिज्म है, मतलब बनते चला जाएगा ये लाइन से तीनों स्टेप, ठीक है। याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की बात है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा था यहाँ पर। सेकंड, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है, सेकंड तरीका हमारे पास बनाने का, दिस इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल्स की रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं। अब नाइट्राइल्स किसे कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 के अंदर। नाइट्राइल्स किसे कहते हैं, साइनाइड्स भी जिसको आप लोग कहते हैं, दीज आर नाइट्राइल्स। आर के साथ अगर CN अटैच हो जाए तो यही होता है नाइट्राइल, इसी को नाइट्राइल कहा जाता है, इसी को साइनाइड्स कहते हैं, ठीक है। ये भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। CN यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट करता है, ठीक है, तो दिस इज अल्काइल साइनाइड। अब क्या करेंगे यहाँ पर, रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिडक्शन के दो मायने होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। यहाँ पर रिडक्शन का मतलब हम यहाँ पर लेंगे, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन के मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ये, तो दोनों। और ऑक्सीडेशन के मतलब जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, तो ये अलग अलग मायने हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि रिडक्शन का मतलब हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है किसी रिएक्शन में, हम ये भी नाम ले रहे होते हैं इसका, बट रिडक्शन इसी को हम कहते हैं। रिडक्शन करनी है किसकी, नाइट्राइल की, RCN की। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई R में मिथाइल रेडिकल लगा लेते हैं, तो CH3CN हमारे पास आ गया, ये हो गया मिथाइल साइनाइड। IUPAC में नाम लिखेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल लिखेंगे, चूंकि फिर दोनों कार्बन को गिनेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था जब हम कॉमन नेम करते हैं तो बस CN को हम जस्ट साइनाइड बोल रहे होते हैं, तो कॉमन नेम में मिथाइल साइनाइड, IUPAC नेम में इथेन नाइट्राइल हमने लिखा हुआ इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ कॉमन नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, मिथाइल साइनाइड। ये CH3C मैंने बॉन्ड खोल के मतलब ट्रिपल बॉन्ड एन कर दिया, आप इसको CN भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये बॉन्ड CN कैसे ही खुलता है ना, ट्रिपल बॉन्ड एन करके, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ऐड करवाया इसके अंदर, तो 4 है, बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। या एज हाइड्रोजन जो लगा है, आप देखिए लार्ज ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, लार्ज ब्रैकेट में जब हाइड्रोजन लिखा जाता है ना, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, उसका मतलब हाइड्रोजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन न्यूली फॉर्म होता है, न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कोई सोर्स ऐसा लें जो कि हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट कर सके, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए, तो उनको, तो यहाँ पर हमने लिया है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। LiAlH4 होता है क्या, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, या नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करता है ताकि वो जाकर रिड्यूस कर सके किसी को, ठीक है।
तो LiAlH4 क्या कर रहा है, नेशनल हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास लिबरेट कर रहा है, तो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस कर सकता है। अब होगा क्या, यहाँ पे बड़ी आसान सी चीज़ है, हाइड्रोजन ऐड करने तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन पर ऐड हो जाएगा, दो हाइड्रोजन आकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, ऐसे ही हुआ CH3 CH2 बॉन्ड NH2। आपने देखा कि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड हो गए और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, टोटल चार हाइड्रोजन ऐड हो गए इसके अंदर। क्या ये स्ट्रक्चर बन गया अमाइन का, दिस इज अमाइन, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज इथाइल अमाइन माना ये हमारे पास। तो इसका मतलब किया क्या हमने, क्या हमने रिडक्शन नहीं की साइनाइड की, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम साइनाइड में चार हाइड्रोजन ऐड कर दें, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो है वो जो हमारे अमाइंस बन जाएंगे, प्राइमरी अमाइन। ये पाई बॉन्ड क्यों टूटे, जो कि उसके बिना चार ही नहीं था, पाई बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, तो दो पाई बॉन्ड बने टूटे हैं तो चार सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन गए, बस समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल के रिडक्शन करके बना सकते, तब यहाँ चेंज कर सकते हैं रेडिकल, आप यहाँ चेंज करते ही जाओगे RCN के अंदर आपको अलग अलग साइनाइड्स मतलब आपको अमाइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल दिया, अभी आप C2H5 ले लोगे तो प्रोपाइल अमाइन बन जाएगा, वो अगर ब्यूटाइल अमाइन आ जाए पेपर में तो वो आपका काम है, ये आपको पता है, सीरीज चलाना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं छोटे से जगह पर आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ, बाकी इसको कैसे घूम जो है चेंज करते रहना है, अब वो आप कर सकते हैं उसको, रेडिकल्स को चेंज करते हुए, नॉट अ वेरी बिग डील, कोई मुश्किल काम नहीं। थर्ड और लास्ट तरीका इसको प्रिपेयर करने का, ये क्या है, दोबारा से रिडक्शन है। अब यहाँ पर रिडक्शन किसकी की जाएगी, अमाइड की जाएगी, अमाइड की रिडक्शन हम करेंगे। अमाइड किसे कहा जाता है, अमाइड का हमने पढ़ा था, अमाइड हमारे पास होता है कि अगर हमने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पर अगर NH2 आ जाए तो ये कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं अमाइड्स, इनको अमाइड कहा जाता है, दे आर नोन एज अमाइड, ठीक है। तो अमाइन एक अलग चीज़ है, देखो अमाइन जो है ना, अमाइन क्या, अमाइन तो RNH2 है, दिस इज अमाइन, और अमाइड क्या है, ये अमाइड है, तो मैंने बताया तो थोड़ा सा फर्क है, N की जगह D लगा दिया है अमाइन और अमाइड में। अमाइन क्या होता है, रेडिकल के साथ NH2 ग्रुप अटैच होगा, और अमाइड क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 अटैच होगा, दिस इज अमाइड, ठीक है। इसकी नेमिंग भी हमने की थी, ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर। तो रिडक्शन करेंगे अमाइड की रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो भी हमारे पास हम देख सकेंगे कि बनेगा, मैंने तो बनाया है तो 100% बनना ही है, दिख भी रहा होगा, लेकिन कैसे बन रहे हैं मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो रिडक्शन का क्या मतलब है, मैंने भी बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर दोनों डेफिनेशन यूज हो जाएगी, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आपको होते हुए दिखेगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होते हुए दिखेगा, दोनों काम आपको दिख रहा होगा। जैसे देखें, ये हमने लिया कोई अमाइड ले लिया, यहाँ पे पीछे एक रेडिकल लगा दिया मैंने, CH3 इथानामाइड हो गया हमारे पास ये, या अगर हम इसको कॉमन नेम में कहते हैं तो उसका नाम क्या लिख देते हैं हम, इसको कॉमन नेम में, कॉमन में लिखते हैं हम लोग उसको एसिटामाइड, याद आ रहा है कुछ, एसिटामाइड या इथानामाइड, नेमिंग आपकी मर्जी होती है। तो उसके में जब हमने क्या किया, नेशन हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड किया, अब नेशन हाइड्रोजन दोबारा से चार नेशन हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, सेम वही रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 दोबारा से रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर, अब ऊपर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड पूरा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा, ठीक है। इस कार्बन में दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन जब ऐड होंगे तो क्या CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसके अंदर, दो हाइड्रोजन ऐड हुए ना भाई, CH3 तो पहले था, फिर CH2 आ गया NH2, और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया, इस H के साथ एक्सचेंज रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा। तो दो हाइड्रोजन यहाँ लग गए C के साथ, और दो हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना के लगे, दोबारा से अमाइन बन गया हमारा RNH2 इथाइल अमाइन अगेन। तो यहाँ पर रिडक्शन में आपको दोनों डेफिनेशन दिख गई, कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है जो इस कार्बन पर हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है जो कार्बोनाइल का कार्बन रिमूव हुआ, दोनों चीज़ हो रहा है, और कर कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ AlAlH4 है, ये काम कर रहा है, समझ में आ गई। तो ये तीन तरीके होते हैं हमारे पास अमाइंस को बनाने के, वेरी सिंपल मेथड्स, मतलब बहुत आसान मेथड है, छोटे से रिएक्शंस हैं। कि पहला तरीका तो हम अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, दूसरा तरीका हम साइनाइड्स की रिडक्शन करके बना सकते हैं नाइट्राइल्स की, और तीसरा तरीका कि हम अमाइड्स जो है उनकी रिडक्शन कर लें। चेंजिंग अगर यहाँ पर आप रेडिकल चेंज करते जाओगे तो आपको अलग अलग अमाइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल दे दी, आप यहाँ आर में तो आपकी मर्जी ना, रेडिकल कुछ भी लगा लो, मैंने सिंपल SCH3 लगा लिया, आप C2H5 लगा सकते थे, क्लियर है, नया अमाइंड बन जाता हमारे पास। बस ये तीन ही तरीके आपके पास न्यू बुक में मौजूद है, किसके, अमाइन के फॉर्मेशन के, अमाइन कैसे बन सकता है, बस समझ में आ गई सबको।
तो मुश्किल तो नहीं, एक से दो बार प्रैक्टिस करना है, तीसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, याद हो जाएगा आपके, ठीक है। बस मैकेनिज्म जो मैं बता रहा हूँ उस मैकेनिज्म पे आप याद रखें किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस, लास्ट बस टॉपिक है उसके बाद रिएक्शंस अमाइन के, कि अमाइंस की रिएक्टिविटी कैसे होती है, रिएक्शंस किस तरह से करते हैं अमाइंस है, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, चार रिएक्शंस हैं इसके, 1, 2, 3, 4 चार रिएक्शंस देखेंगे और ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ अमाइंस में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास एल्डिहाइड्स के साथ है, फिर हम करेंगे रिएक्शन कीटोन्स के साथ, फिर हम रिएक्शन करेंगे एसिड हैलाइड्स के साथ, फिर हम करेंगे डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, एंड में देखेंगे इसको। अब आते हैं यहाँ पर हम दैट इज़ के रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, अमाइंस के रिएक्शंस पर आते हैं, अमाइंस हमारे पास किस तरह से रिएक्शंस कर रहे होते हैं, कैसे रिएक्शंस हमारे पास दे रहे होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ अमाइंस, अमाइंस के हमारे पास 1, 2, 3, 4 चार रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिसको हमें समझना है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ, सेकंड रिएक्शन है कीटोन्स के साथ, फिर एक रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ है, और एक रिएक्शन है बल्कि प्रिपरेशन है डायजोनियम सॉल्ट की। तो अमाइंस के साथ रिएक्शन, जो अमाइंस के रिएक्शन, अमाइंस की रिएक्टिविटी, ऊपर जो मैंने बताया था ये अमाइंस की प्रिपरेशन थी, अमाइंस को बनाया कैसे जाता है, तो इन तीन तरह से बनाया जाता है। अब अमाइन जब बन गए तो वो रिएक्शन किस तरह से करते हैं, उनके रिएक्शन किन किन के साथ होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बुक के अंदर मौजूद हैं, चूँकि जाहिर सी बात है ये तो फर्स्ट टाइम आपके बुक में इंक्लूड हुआ है। अब क्या आता है बोर्ड एग्जाम में इसमें से, क्या नहीं आता है, जब आप पेपर देंगे तभी अंदाज़ा होगा। तो मैंने तो जितने बुक में रिएक्शंस है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का तो उसमें कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता ना फिलहाल, चूँकि हमें नहीं पता न्यू बुक के अंदर ये चीज़ क्या आने वाली है, कौन से इक्वेशन आने वाले। तो आपको ये चारों इक्वेशन समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन। एल्डिहाइड्स किसे कहा जाता है बेटा, एल्डिहाइड कहा जाता है, आप जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसके एक तरफ हाइड्रोजन अगर आ जाए और एक तरफ रेडिकल आ जाए, इसी को कहते हैं एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं किसके साथ, अमाइंस के साथ। अब ये हमारे पास एल्डिहाइड है, अच्छा इसी को ना हमने उस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया ना, मतलब वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो आर सी एच उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये वही एल्डिहाइड है, कोई कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, आर में यहाँ पर आप रेडिकल भी ले सकते हैं, चाहे तो आप आर रख के ही रिएक्शन कर लें, मतलब सिंपल आर मतलब रेडिकल है ना कोई, तो आर रख के रिएक्शन कर लेते हैं, या तो यहाँ पर मैं सी एच थ्री लगा दूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर अब इस वक्त सी एच थ्री लगा देता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आपने जबकि अपनी कॉपी में आर लगाया होगा अभी इस वक्त, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बना, दिस इज एसिड एल्डिहाइड इसको हम कहेंगे, या इथेनॉल जिसको हम कहेंगे आईयूपीएसी के अंदर, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड होता है, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कोई भी अमाइन हमारे पास है, जैसा कि यहाँ पर आर पे अगर मैं यहाँ पर सी एच थ्री लगा दूँ तो ये हमारे पास मिथाइल अमाइन हो गया। अब देखो सी एच थ्री एन एच टू है, ये एच टू को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्यों ओपन किया, मैकेनिज्म दिखाने के लिए, होगा क्या यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, अमाइन के दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से ओवरऑल यहाँ से ये निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो एच टू ओ वाटर यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हो गया, बाहर आ गया। जब वाटर एलिमिनेट हुआ हमारे पास तो जो बच गया उसको हम लिख देंगे सी एच थ्री सी एच, ठीक है, तो यहाँ पे भी सी एच थ्री आ जाएगा ना भाई, सी एच थ्री सी एच, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ गया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन जुड़ गया सी एच थ्री से, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन जुड़ गया रेडिकल से हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब मैं मैकेनिज्म बता रहा था, देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, ये हमारे पास अमाइन आ गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन अमाइन के दो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जो लगा होता है, वाटर बन के, तो वाटर माइनस एच टू हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, तो बच के आ गया, ये जो एडिशन कर दो मतलब मिलाकर लिख दो इस दोनों पार्ट को, तो मिल गया, तो ऐसे बन गया ये। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को कॉमनली कहा जाता है इमीन, इसको इमीन कहा जाता है, तो अमाइन से बन रहा है ना ये, तो इसको इमीन कहते हैं आई से, तो अमाइन में ए से स्टार्ट होता है, इमीन आई से स्टार्ट होता है, इसको इमीन कहा जाता है। और ये भी एक बेस है, चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा जो डोनेट कर सकता है, और इस बेस को खास नाम देते हैं, इमीन्स होता है ना, उन्हें को शिफ्ट बेस कहा जाता है, शिफ्ट साइंटिस्ट का नाम था, तो शिफ्ट बेस इसी को कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए पेपर में कि प्रिपेयर शिफ्ट बेस या प्रिपेयर इमीन फ्रॉम मिथाइल अमाइन या फ्रॉम एल्डिहाइड, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इमीन कहेंगे या फिर हम इसको शिफ्ट बेस कहेंगे, ठीक है। रेडिकल चेंज करके यहाँ पर हम कुछ और भी शिफ्ट बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो बेस क्यों है, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये भी, और शिफ्ट साइंटिस्ट का नाम तो उसने डिस्कवर किया था, उसको शिफ्ट बेस कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कीटोन, एज इट इज सेम रिएक्शन है कीटोन में, बस क्या होता है आपको पता है ना, जैसे यहाँ पर तो एच था ना,
कीटोन में क्या होता है, आर सी, मतलब दोनों तरफ रेडिकल्स होते हैं कार्बोनाइल के, सेम वही हमने ले लिया अल्काइलामाइन, सेम हमने क्या किया कि ये ग्रुप हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये हमारे पास बन गया। तो ये भी हमारे पास इमीन कहलाता है। इमीन में ऐसा हो सकता है कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल भी हो सकता है और एक तरफ भी रेडिकल हो सकता है, तो ये भी इमीन है, ये भी इमीन, ये भी शिफ्ट बेस है। तो दोनों तरीकों से शिफ्ट बेस बनेगा, चाहे आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करें चाहे आप कीटोन से करें। बट एल्डिहाइड से करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ इसमें हाइड्रोजन आ रहा होगा, कीटोन से करेंगे तो दोनों तरफ रेडिकल्स आ रहे होंगे, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ रेडिकल्स होते हैं कार्बोनाइल के, कार्बन होता है, जबकि अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एक तरफ सिर्फ हमारे पास कार्बन होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, ऐसे ही होता है कार्बोनाइल के। समझ में आ गई बात, ये दोनों इमीन्स कैसे बन रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन है मैकेनिज्म, इसको याद रखें, इसको इमीन कह सकते हैं, इसको हम शिफ्ट बेस कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, इसमें रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के साथ इसके रिएक्शन किस तरह से होगा। अब एसिड हैलाइड के बारे में भी हम जानते हैं, वी ऑल्सो नो अबाउट एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड क्या होते हैं, हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और उसके एक तरफ हैलोजन लग जाएगा, यही होता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड याद आया कुछ, एसिड हैलाइड कहते हैं उसको, कार्बोनाइल के एक तरफ हैलोजन आ जाता है, दिस इज एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे, ये जनरल रिएक्शन है और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया, इस बार दोनों लिख दिया, ठीक है। तो नहीं भी लिखता तो आप खुद लिख पाते हैं इसको, आर में कोई भी रेडिकल लगाकर, मतलब इसलिए मैं नहीं लिखता कि बच्चे बोलते हैं इतना लॉन्ग हो रहा है सर आप दो दो इक्वेशन लिखा दिए, तो मैं अक्सर इसलिए कभी कभार जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि बच्चों को आसान लगे, शॉर्ट लगे, वरना बच्चों को लगता है दो अलग अलग रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, वो रेडिकल में चेंज करे जा रहे हैं, ऐसा ही। तो ये हमने आर एन एच टू लिया, दिस इज अमाइन, प्राइमरी अमाइन लिया, उसके रिएक्शन एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड से कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर एक बड़ा आसान सा एक रिएक्शन हमारे पास है, अभी आर एन एच टू है ना, अब देखो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास अच्छा एन एच टू आर, सॉरी यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर एच सी एल निकाल रहे हैं ना, ठीक है ओके। यहाँ इस तरह से नहीं ब्रेक होगा, ये जैसे यहाँ पर ब्रेक किया था ना, इस तरह से होगा आर एच एन एच टू को इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब आर एन एच को एक तरफ कर लेना है, फिर एच को एक तरफ कर लेना, इस तरह से ब्रेक होगा ये, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये हमारे पास माइनस हो गया। अब देखो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, तो एक तो एच सी एल हमारे पास अलग हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में कार्बोनाइल के एक तरफ क्या आ गया, आर एन एच आ गया, एन एच आर। अब देखो ये अमाइड बना हमारे पास, क्या इसको इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग अमाइड कहते हैं, भी बताया था ना अमाइड, कार्बोनाइल के एक तरफ एन एच टू, देखो ये रहा अमाइड, तो एक तरफ एन एच टू के बजाय एक तरफ एन एच और एक तरफ आर है, तो ये हमारे पास कौन सा अमाइड हमारे पास हो गया, दिस इज सेकेंडरी अमाइड। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होता तो ये प्राइमरी अमाइड्स होते हैं, और ये सेकेंडरी, अगर यहाँ पर भी आर हो जाता है एच की जगह पर तो टर्शियरी अमाइड हो जाता है, सही है बेटा। तो क्या होता है कि जब भी हम अमाइड से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी एसिड हैलाइड से कराते हैं किसका, किसी जो है वो अमाइन का या प्राइमरी अमाइन का, तो सूरत में हमारे पास सेकेंडरी अमाइड हमें मिलता है जो आपके सामने। अब इसको हम रिएक्शन किसी और से कर लें, जैसे मिथाइल मिथाइल अमाइन ले लें, उसके बाद ये हम ले लें दिस इज ए कंपाउंड, ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड कहलाते हैं, नेमिंग की है हमने इसकी, एसिटाइल क्लोराइड है ये हमारे पास, सी एच थ्री ले लिया गया नाम है इसका। तो सेम वही होगा, एन एच एच ब्रेक होगा तो यहाँ पर एच सी एल निकलेगा और ये इस तरह से जुड़ जाएगा यहाँ पर उस ऊपर वाले मैकेनिज्म की तरह। तो ये हमारे पास एसिड एसिटामाइड है, दो कार्बन वाला अमाइड है एसिटामाइड, लेकिन मिथाइल में लगा हुआ तो ये मिथाइल एसिटामाइड है, मिथाइल फिर ये एसिटामाइड के स्ट्रक्चर ऊपर आपको दिख रहा है। तो ये भी एक रिएक्शन एक तरह का कि अमाइंस के रिएक्शन में है, कि अमाइन जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करते हैं तो इमीन बनाते हैं शिफ्ट बेस, और ये एल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं हमारे पास जो एसिड हैलाइड से तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद लास्ट हमारे पास रिएक्शन है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट, ये मुश्किल रिएक्शन है, पूरे बोर्ड में जो कुछ लिखा है सबसे मुश्किल बात यही लिखी हुई है, और यही आखिरी बात इसके साथ चैप्टर क्लोज होगा हमारा, और आप जानते हैं मुश्किल बात मैं एंड में ही करता हूँ हमेशा क्लास की, ये मेरी आदत है, ताकि हम मैं इसमें टाइम जितना हो सके उतना लगा दें, समझ में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं, बाकी ये सब तो समझ में आ गया सारी चीज़ें, इस सब बाकी चीज़ों में तो मसला नहीं है ना कोई। तो अमाइन का टॉपिक आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल बहुत शॉर्ट टॉपिक है, मतलब अल्काइल हैलाइड जो था वो बहुत लॉन्ग टॉपिक था, अमाइंस है ना, और अमाइंस का टॉपिक बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस कुछ चीज़ें ही आप देखोगे, सिर्फ तीन हमारे पास प्रिपरेशंस हैं और चार हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है, बेसिक नेचर का होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें अक्सर कॉन्सेप्चुअल है, अब तक रट्टे वाली कोई चीज़ कोई आई नहीं है, ठीक है, जहाँ तक आएगी तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई इसको याद कर लो ऐसे ही। अब एकदम हर रिएक्शन जितना भी मैं लिख रहा हूँ सबका कोई ना कोई मैकेनिज्म चल रहा है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख रहे हैं, विदाउट मैकेनिज्म कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना भाई, हर जगह मैं बॉन्ड तोड़कर और जोड़कर दिखा रहा हूँ आपको कैसे बन रहा है,
अक्सर ऐसे रिएक्शन भी लेकिन होते हैं जहाँ पर हमें बस बन जाती है चीज़ें और पता नहीं होता, जैसे से ये एक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर लेकिन इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझें। तो बुक के लिहाज से मैं थोड़ा डिफरेंट करके इसको मैं बता रहा हूँ। बुक में जो इक्वेशन लिखी हुई है सिर्फ एंड वाली लिखी हुई है ना, जो एंड में यहाँ पर लिखा है ना, ये इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन ये बना कैसे है, थोड़ा लॉन्ग इक्वेशन है तो मैं उसको करके दिखाता हूँ। या डायज़ोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं ये भी बताऊँ। होता क्या, डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, जब हमारा जो अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस है या जो मिथाइल अमाइन है, ये रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड से। अब देखो एसिड्स जो हमारे पास होते हैं ना, एक तो हमारे पास एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं HNO3 हमारे पास ये कहलाता है, दिस इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं HNO3, ये तो हर किसी को पता होता है। और एक और एसिड हमारे पास होता है उसको बोलते हैं HNO2, इसको हम लोग कहते हैं, दिस एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। अब ऐसा इसका नाम चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, एक और अस का जो मामला आ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। अब नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ निकालोगे तो +5 निकलेगी इसकी, -6 यहाँ, +1 यहाँ, +5 निकल जाएगी। नीचे HNO2 में निकालोगे तो +1 यहाँ, -4 यहाँ, तो +3 निकलेगी। और मैंने आपको बताया था जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उसमें एक आता है, और कम वाले में अस आता है, फेरस और फेरिक, याद आ रहा है कुछ ना उसमें, क्यूपरस और क्यूप्रिक। अब इस वजह से ये नाइट्रिक है और ये नाइट्रस है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड। तो एक और अस का कॉन्सेप्ट यही होता है ना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर पे बात होती है नाइट्रोजन पे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो एक तो नाइट्रिक एसिड है जो दुनिया जानती है, जो 9th क्लास के बच्चा भी रट देता है HNO3, सबको पता होता है। एक होता नाइट्रस एसिड, ये नहीं पता होता, HNO2 होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है H2SO4, और एक सल्फ्यूरस एसिड भी होता है H2SO3, है ना भाई। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इन सब में हमारे पास होते हैं, मतलब एक वाला भी होता है और अस वाला भी होता है। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे आप देखोगे ये मसला रहता है, एक और अस वाला मसला हमेशा, फेरस फेरिक क्यूपरस क्यूप्रिक प्लम्बस प्लम्बिक, बहुत मामला इसके अंदर चलते हैं इसके। तो हमने यहाँ पर क्या करना, मिथाइल अमाइन का रिएक्शन कराना है नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। अब HNO2 को HONO करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, HONO इस तरह से लिखा जा सकता है नाइट्रस एसिड को, देर इज नो इशू, क्लियर है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या हमारे पास है, लाइक अगर हम इसको, अगर हम इसमें चार्जेस वगैरह लगा दें, हुआ क्या कि HONO इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से हमारे पास होगा, इस रिएक्शन को देखें कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना H2, ये जाकर इस ऑक्सीजन से जाकर हमारे पास जो है ना वो मिल जाएगा। H2 जब इस ऑक्सीजन से मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिया वाटर बन जाएगा। अच्छा ये जो नाइट्रस एसिड है ना, ये जो नाइट्रस एसिड ये वाला अनस्टेबल होता है, उसको बनाया किस तरह से जाता है, दो चीज़ों के रिएक्शन से, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट होता है और ये HCl होता है। सोडियम नाइट्राइट और HCl के रिएक्शन से क्या होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है। ये जो ऊपर जो मैंने लिखा है ना एरो के ऊपर ग्रीन कलर से, ये असल में सोर्स है, इट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जनरेट होता है दोनों के रिएक्शन से, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होता है तब जाकर ये स्टेबिलिटी गेन करता है। तो बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस कंडीशन पे क्या होता है, नाइट्रस एसिड जनरेट होता है। जैसे ही ये जनरेट होगा प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराएंगे, H2O से रिएक्शन करके वाटर बना के अलग हो जाएगा, वाटर H2O बना के अलग हो गया, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। फिर ये जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, सही है। तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लिया, समझ में आ गई बात क्या कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के अलग हुआ, OH नेगेटिव आयन अलग हो गया, और ये नाइट्रोजन इस एक नाइट्रोजन जो बचा हुआ इसके साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना लिया। लेकिन अभी एक मसला है इसके अंदर, आपको पता है नाइट्रोजन के यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हमने हमेशा पढ़ा है। अब नाइट्रोजन जो कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर नाइट्रोजन पे हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने की वजह से। इस आयन को जब ऐसा आयन बनता है ना, इस तरह का आयन, दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े और पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उसको केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग कहते हैं डायज़ोनियम आयन, इसी को कहा जाता है डायज़ोनियम आयन, जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लगता है, दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड हो और प्लस चार्ज लगा हो, दिस इज कॉल्ड डायज़ोनियम आयन, ठीक है। अब ये डायज़ोनियम आयन बना, हमें सॉल्ट बनाना है, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनाने के लिए क्या होगा, अब ये जो डायज़ोनियम आयन है ना, अभी रिएक्शन करेगा HCl से, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद था सोर्स के अंदर, और जो OH नेगेटिव आयन बच गया इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये दो स्टेप का रिएक्शन है, इन दोनों से जब ये रिएक्शन करेगा आपस में तो क्या होगा, इस चीज़ को देखें कि ये प्लस है या माइनस है ना भाई, प्लस वाला माइनस रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, और जो OH माइनस से क्या करेगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, सॉरी ये जो Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये तो कैटाइन बना हुआ था डायज़ोनियम आयन, और साथ में Cl नेगेटिव आ गया इसके साथ,
तो कैटाइन एनायन जुड़ गया तो सॉल्ट बन गया हमारे पास, तो ये कहलाता है डायजोनियम सॉल्ट। अब फिर से मैं बता रहा हूँ क्या हो गया कि सबसे पहले प्राइमरी एमाइन ने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया, तो इससे क्या हुआ कि डायजोनियम आयन हमारे पास बना, वाटर और OH- आयन अलग हो गया। फिर इस डायजोनियम आयन ने HCl और OH- नेगेटिव आयन जो बचा हुआ था उससे रिएक्शन किया, H+ और OH मिलकर वाटर बना गया और Cl- नेगेटिव आयन जो एनायन था वो इस कैटाइन के साथ मिलकर डायजोनियम सॉल्ट बना लिया उसने। ये पॉजिटिव चार्ज कैटाइन है, ये नेगेटिव चार्ज एनायन हमारे पास है, ये एक सॉल्ट बन गया। अब आप कहें सर बुक में तो सर ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, तो अब इसको क्या करना है, बुक वाली इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको ओवरऑल रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शंस को प्लस कर देंगे आपस में। दोनों रिएक्शन को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, देखो कैसे प्लस किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो था ना ये डायजोनियम आयन यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास डायजोनियम आयन है, जब दोनों इधर उधर डायजोनियम आयन होते हैं तो ये कट आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये कट गया हमारे पास, ठीक है। जैसे अलजबरे में कट करते हैं ना, अलजबरा जब मैथ्स में जब हम कट कर रहे होते हैं दो प्लस कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। इसी तरह से OH- और OH- हमारे पास कट हो जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड में बस ये वो लेफ्ट साइड पर लिख देंगे, जो राइट वाला है वो राइट साइड पर लिख देंगे, क्योंकि दो स्टेप पर रिएक्शन हो रहा है। तो देखो ये हमारे पास मिथाइल अमाइन आ गया, ये नाइट्रस एसिड आ गया, ये HCl आ गया, बाकी ये दोनों तो कट गए। एरो आ गया, राइट साइड पे क्या बचा, डायजोनियम सॉल्ट बचा, एक वाटर ये रहा राइट साइड पर, एक वाटर ये रहा H2O प्लस H2, ये हमारे पास क्या हो गया 2H2O। ये बैलेंस इक्वेशन बुक में ये लिखा हुआ है, मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था बट इसमें मैकेनिज्म समझ में नहीं आता आपको, ये बना कैसे, बॉन्ड टूटा जुड़ा क्या हुआ है। तो ये असल में दो स्टेप पर रिएक्शन है जिसको बुक में आपके वन स्टेप पर डाला गया, तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए समझना इसको। तो डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं हमने देखा, दिस इज द लास्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अमाइंस को पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपको लाजमी करना पड़ेगा, क्लियर है भाई, दैट्स इट।